ये समय जी बात करें अगर MCX कॉटन की, तो MCX कॉटन में आपको क्या लगता है MCX कॉटन की कीमतें अभी क्या रहेंगी? जिस तरह मैंने MCX कॉटन की अभी बात की थी कि 32,000 से 32,200 तक जाने की संभावना है, तो मुझे लगता है कि अभी भी तेजी का रुख बना रहेगा। बहुत ही इमीडिएट तौर पे 31,600 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, और उसके ऊपर अगर प्राइसेस दोबारा सस्टेन होने में कामयाब हुई, एक या दो दिन और डेली क्लोजिंग आ गई, तो हम देख पाएंगे कि करीबन 32,200 तक के लक्ष्य देखने मिलेंगे। ओवरऑल डाउनसाइड में 29,500 के ऊपर जब तक दाम टिके हुए हैं तब तक बायोन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए, और जो भी डिप भी अगर मिले 30,000 से 30,100 तक तो बायोन डिप किया जा सकता है, और अपसाइड में 32,200 का एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट लिया जाए। जी ये समय जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो अब देख रहे हैं कि पहले तो सोयाबीन की जब से अराइवल्स आने लग गई मंडियों के अंदर, तब से सोयाबीन की कीमतें इंपैक्ट करनी चालू हो गई हैं, और अब 5,400 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आई। उसके बाद देख रहे हैं कि इसके साथ साथ अब सरसों की मत्स्य सीर की भी जो कीमतें हैं वो भी नरमी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं, जबकि फंडामेंटल्स मजबूत हैं। अमित जी आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सरसों के फ्यूचर पर होल्ड लग गया है, एक बैन लग गया है सेबी द्वारा, और अब सरकार भी तेज हो गई है, सरकार भी जो एक्शन में आ गई है खाद्य तेलों को लेकर, इसलिए अब स्टॉक लिमिट लगा दी गई है, तो इसकी वजह से, इन सब फैसलों की वजह से एडिबल ऑयल पैक आने वाले कुछ महीनों में कैसा रह सकता है? ठीक है, एडिबल कॉम्प्लेक्स में मैं सोया ऑयल और CPO इन दोनों में एफेक्टिव में तेजी प्रेफर करूंगा, क्योंकि पिछले वाली जैसे हमारी बात हुई थी कि निचले स्तरों से हमें बाइंग देखने मिल रही है और ऊपरी स्तरों पर मिल रहा है, तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि जब भी सोयाबीन के करीब 1,285 से 1,300 के करीब आए तो वहाँ पर बाइंग बनाई जा सकती है। वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस 1,320 तक के इमीडिएट सपोर्ट है जहाँ से शॉर्ट टर्म बाइंग पोजिशन बनाई जा सकती है, हालांकि इसमें जो अपसाइड भी होगा वो लिमिटेड होगा 1,395 से 1,410 तक के फंड्स ऑयल में, और सिमिलरली CPO में 1,120 के करीब एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जबकि इंट्राडे या जो सबसे नजदीकी सपोर्ट है वो 1,145 के करीब है। तो जब तक ये लेवल होल्ड कर पा रहा है बाजार, तब तक पॉसिबल है कि हम 1,180 और उसके बाद 1,210 तक के लेवल CPO में भी देख पाए। तो ओवरऑल एडिबल कॉम्प्लेक्स में मुझे लगता है कि सोयाबीन और CPO इन दोनों में तेजी का रुख रहेगा, लेकिन डीप डिप्स पे बाइंग की जा सकेगी। जहाँ तक सरसों का सवाल है, एक तरह से बाउंड्री लगा दिया गया है, तो जिस तरह चैनल में हम देखा है कि एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, हो सकता है कि हम असल में भी शुरुआती में हमने दबाव तो डेफिनेटली देखा है, क्योंकि जो बाइंग कंडीशंस लेने वाली थी वो निवेशक अभी सौरभ कर रहे हैं, लेकिन डाउनसाइड में 7,700 के करीब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उससे नीचे जाती है नहीं दिखती प्राइसिंग, और हो सकता है कि हमें दोबारा एक महीने के परस्पेक्टिव से 8,700 के भाव देखने मिल जाए। तो फिलहाल जो है वो मुनाफा वसूली का दौर चल रहा है, लेकिन निचले स्तरों से मुझे लगता है कि हमें सरसों में देखने मिलेगी, और एवरेज प्राइस जो है वो 8,300 से 350 तक मैं एक से डेढ़ महीने देखने मिलेगा। जी